स्टैंडर्ड 7th चैप्टर नंबर 2 कंप्यूटर HTML प्रैक्टिकल। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले नोटपैड ओपन करेंगे। HTML प्रैक्टिकल नोटपैड भी होता है बराबर। और फिर हम लोग यहाँ पे HTML डालेंगे, देन एंटर करके हेड, देन यहाँ पे आपका एंटर करके टाइटल। फिर हमको जो टाइटल देना हो वो दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं हेडर साइज दे रही हूँ। फिर हम लोग टाइटल क्लोज टैग करेंगे स्लैश देके। अब यहाँ पे हम लोग क्लोज टैग के लिए स्लैश डाल के हेड डालेंगे। फिर हम लोग बॉडी डालेंगे। अब मैं अगर साइज 1 और एच 1 लिखूंगी तो यहाँ पे हमारे राइटिंग छोटे बड़े होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, एच 1 लिखना है, इसका हमको साइज 1 डालना है। और यहाँ पे हमारा एच 1 खत्म होता है इसलिए हम लोग स्लैश देके एच 1 डाल रहे हैं। देन ऐसे ही आपको एच 6 तक का करना है। और स्लैश देके हम वापस इसका एच 2 डाल देंगे, एच 2। फिर क्लोज टैग, फिर 3 जाएगा एच 3। फिर यहाँ पे आपका साइज जाएगा और ये हमारा एंडिंग एच 6 फिनिश होता है हमारा पूरा। यहाँ पे मैंने आपके सारे साइज 6 तक के बता दिया क्योंकि हमने 6 तक के साइज करने हैं कंप्लीट। स्लैश देखें, देन अब हमारा एंटर करके हम लोग बॉडी टैग डालेंगे। और यहाँ पे एंडलेस बॉडी है इसलिए हम लोग स्लैश करके बॉडी डालेंगे। देन यहाँ पे हमारा HTML एंडिंग HTML है, देन हमारा स्लैश देके HTML जाएगा। तो अब हम इसे सेव कर देंगे। सेव करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइल में जाएंगे। फाइल में यहाँ पे आपको सेव और एक सेव एज का ऑप्शन दिखेगा। सबसे पहले हम लोग सेव पे जाएंगे और यहाँ पे इस तरह का कुछ आपको सिलेक्ट करके दिखेगा। तो हम उसे पहले ब्लैंक स्पेस यानी कि हटा देंगे। और यहाँ पे मैं करे तो आप अपना नाम यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं हेडर साइज डाल देती हूँ इसका हेडिंग। और यहाँ पे मैं डॉट करके HTML में डालूंगी। आप जो भी नाम डालो उसके आगे डॉट HTML जरूर डालना, वरना फिर ये नहीं होगा। और यहाँ पे मैं सेव कर दूंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं हेडर साइज नोटपैड आपका नाम आ गया है। और अब मैं इसको मिनिमाइज कर दूंगी या फिर आप क्लोज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है वो तो हमारा दिस पीसी शॉर्टकट पे आया है, यानी कि ये आप देख सकते हैं कंप्यूटर पे। इसके बाद हम लोग डॉक्यूमेंट पे हमने सेव किया था इसलिए डॉक्यूमेंट पे आएगा। आप चाहो तो अगर आपके में डेस्कटॉप हो तो आप डेस्कटॉप पे सेव कर सकते हैं जिससे आपका ऊपर ही आएगा। तो हमने यहाँ पर डॉक्यूमेंट पे किया है। और ये हमारा हेडर साइज कुछ इस तरह का आपका नाम दिखेगा। और ये हेडर साइज चालू हो रहा है। तो ये हमारा हेडर साइज चालू हो गया है। तो आप देख सकते हैं जिसमें हमें साइज 1 लिखा था सबसे बड़ा है और साइज 2 हमारा उससे थोड़ा छोटा है, साइज 3 उससे भी, और साइज 6 ये रहा आपका सबसे छोटा। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख पा रहे हो कि हमारे यहाँ पे सारा प्रैक्टिकल ख़त्म होता है। और यहाँ पे हम लोगों ने उसी तरह से बिल्कुल लिखा था। देखिए हेडर 1, हेडर 2, सबसे बड़ा हेडर 1, फिर हेड 2, 3, 4 एंड देन 6। और ये हमारा उसी तरह से बड़ा हो गया। तो अगर आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए।